डॉक्टर साहब, मेरे नाना बनने में और कितनी देर है? मैं तो मिठाई बांटने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। अभी वक्त है महेंद्र प्रताप जी। हाँ, वो आपके आपके दामाद कहाँ हैं? बस आता ही होगा, आज उसका शो था। डॉक्टर साहब, जरा एक मिनट प्लीज। मिलता हूँ मैं आपसे। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, डोंट वरी। डॉक्टर, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ओह माय गॉड, ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा है, सिजेरियन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की तैयारी करो प्लीज। हाँ देव, तुम जल्दी आ जाओ। नहीं, अभी डिलीवरी हुई नहीं। ओके। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बच्चे नहीं देखे। मैं नाना बन गया। अरे मैं नाना बन गया। डॉक्टर साहब, लड़का हुआ या लड़की? लड़की। मेरा मतलब दोनों दोनों लड़की हैं। दोनों यानी जुड़वा? मैं उन्हें देख सकता हूँ? मेरी बेटी का क्या हाल है? क्या हुआ? वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ महेंद्र प्रताप जी। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या हुआ? मैं बच्चों का बाप हूँ। मेरी वाइफ को। आपकी वाइफ ठीक है, अभी होश में नहीं। ओह, और डॉक्टर बच्चे? वो जिंदा हैं, लेकिन लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत है देव, उससे बात करो। सब ठीक हो जाएगा लता, हम बिल्कुल नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे इन बच्चों के बिना। मैंने सोच लिया लता, हम इन बच्चों को घर नहीं ले जा सकते,
इन्हें हम किसी अनाथालय में भेज देंगे। रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो फिर हो सकते हैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझसे बात करो लता, कहो कि तुम भी वही सोच रही हो जो मेरे मन में है। आज मुझसे देखा भी नहीं जा रहा इनकी तरफ, सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगा इनके साथ? अगर बच्चे भगवान की देन है तो वापस ले ले वो अपनी देन, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये देन। देख लो जितना देख सकती हो, हर बार हैरानी होगी पर आदत कभी नहीं पड़ेगी। दर्द होगा पर खुशी कभी नहीं होगी। मैं इस तरह नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि अगर ये बच्चे रहेंगे तो मैं नहीं रह सकता। तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा लता, या मैं या ये दोनों। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। एक बात याद रखना, जगह बदलने से हालात नहीं बदलते। पंचगनी तुम्हारे बचपन का शहर जरूर होगा, मगर छोटे शहर में लोगों की सोच भी कभी कभी बहुत छोटी होती है। अरे देखने में तो अच्छे ही लगते हैं। कंबल के नीचे क्या है किसे मालूम। अरे मत देखो, अब शकुन होगा।
यहाँ वापस क्यों आई है? ये बीमारी यहाँ भी फैल जाएगी। दीक्षित साहब, मेरी बात मानो और इन बच्चों को अनाथालय में छोड़ो। अरे बाप रे, अपने अपने बच्चों को छुपा के रखो इनसे। इस मनुष्य को इसी गांव में वापस आना। मैं तो कह देती हूँ, हाँ, मैं अपने बच्चों को इसके घर के आसपास भी नहीं जाने दूंगी। अरे दीक्षित साहब, बुढ़ापे में ये दिन भी देखना था। इसके आगे अपने बच्चों को, इसका पति नहीं दिख रहा। अरे ऐसे बच्चों को देख कर निकल लिया होगा। बेटा, लोगों की बात को दिल पे मत लेना। पहली बार देखा है ना, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे वक्त की कोई फिक्र नहीं है बाबा। सोचने, घबराने, डरने का मुझे मौका मिला था जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था, पर जब से इन्हें अपने सीने से लगाया है सारा डर गायब हो गया। लेने दो वक्त दुनिया को, आज अपना है, कल अपना है, या सालों लगा दे, लेकिन अपनाना तो पड़ेगा ही एक दिन। मैंने सोच लिया है पापा, मेरी बेटियां कोई अजूबा बनकर नहीं जिएंगी। नहीं पापा, वो औरों की तरह आम जिंदगी जिएंगी। देखो कितनी सुंदर है ये दुनिया, ऊपर नीला आकाश, नीचे ये हरी भरी धरती, मगर जब दोनों मिलते हैं तब कहीं पूरी होती है ये सृष्टि, है ना? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है दोनों, पर एक दूसरे के बिना अधूरे भी। अंबर, धरा, तुम दोनों भी बिल्कुल अलग अलग हो लेकिन साथ रहोगे हमेशा।
मेरी बच्चियां अपाहिज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। मैडम, पिछले 3 साल से मैं आपके पास एडमिशन्स के लिए आ रही हूँ, हर बार आपने मुझे मना कर दिया। मैडम, घर पर मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में किसी और स्टूडेंट से पीछे नहीं रहेंगे, पर आगे भी ये नहीं कर सकती। मिसेस सेठ, आगे मेरी अंबर धरा को टीचर्स और स्कूल की ज़रूरत है। मैडम, आप ये कहकर मुझे लौटा रही हैं कि वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है, लेकिन सोचिए ना, अगर सब लोग उन्हें अपने आप से दूर रखेंगे तो वो बाकी बच्चों की तरह बनेंगी कैसे? मैं मानती हूँ लता, लेकिन दूसरे बच्चे, उनके पेरेंट्स, वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अंबर धरा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई छूत की बीमारी थोड़ी है किसी को लग जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो लता, समझ तो आप नहीं रही है मिसेस सेठ। मैं हर स्कूल में पूछ कर आई हूँ, हर जगह वही जवाब, लेकिन आपसे मुझे उम्मीद थी मिसेस सेठ। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो एक दिन एक टीचर ने असेंबली में कहा था कि याद रखना, जिंदगी में कामयाबी के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम मिलेंगे जब आप किसी और की जिंदगी वाकई बदल सके, क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से फैसले पर टिकी होती है। जानती हैं वो टीचर कौन थी मिसेस सेठ? वो टीचर आप थी। याद रखना, अगर किसी ने तुमसे कुछ बुरा कहा तो तुम लोग क्या करोगे? इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना। तुम लोग किसी से कम नहीं हो, तुम तो हम सबसे बढ़ के हैं। क्योंकि सब एक है पर हम दो हैं। शाबाश बेटा, जब तक तुम लोग साथ हो तब तक हम खास हैं। शाबाश। ऐसे जुड़े रहते हो, नहाते भी साथ में हो, तो तुम सब कुछ साथ में करते हो? हाँ, अब तो पॉटी भी एक साथ ही करते होगे। अरे इनके तो कपड़े भी जुड़े हुए हैं। खेलना होता है।
उसे तो छोड़ के दिखाओ। ये कुछ नहीं कह सकते, ये जोकर है, जोकर। मोटू बोल दे, चलो मारम पिट्टी खेलते हैं। बीच में कौन रहेगा? ये दोनों। मेरी तरफ देखो,
मुझे देखो दोनों, क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? दोनों साथ हो ना, अब एक दूसरे को देखो, देखो बेटा, देखो देखो बेटा, अब क्या दिखता है? अंबर की आंख में धरा दिखती है ना, और धरा की आंखों में अंबर। ऐसी ही हो तुम बेटा, अगर हंसोगी तो दूसरे में हंसी नजर आएगी, रोगी तो दूसरे में आंसू दिखेंगे, और अगर अगर लड़ोगी ना तो दोनों का दर्द होगा बेटा। लेकिन क्यों माँ, हम ऐसे क्यों हैं और जैसे क्यों नहीं माँ? क्योंकि तुम खास हो बेटा, बहुत खास। अगर हर कोई तुम्हारी जैसा होता तो सारे भाई बहन तुम्हारी तरह जुड़े हुए होते, है ना बेटा? देखो, तुम ऐसे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से कम हो। सब लोगों में कुछ ना कुछ अलग होता है। तुम में ये अलग है कि तुम साथ साथ हो। सोचो ना, सबके पास ये नहीं होता, है ना? अरे दूसरों को तो दोस्त ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो हमेशा एक दोस्त होगा। तुम लोग कभी अकेले नहीं रहोगे। देखो, सब एक है, पर हम दो हैं। जब तक हम साथ हैं तब तक। लेकिन अगर साथ रहोगे तो तुम्हारी ताकत दुगनी हो जाएगी। फिर चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अंबर धरा को कोई हरा नहीं सकेगा। हम कभी नहीं हारेंगे माँ, की प्रॉमिस यू माँ। नहीं ना, ये नहीं हो सकता, उन्हें चोट लग जाएगी। सर, अगर आप इन्हें दौड़ने नहीं देंगे तो इन्हें ज्यादा चोट लगेगी। प्लीज मैम, आई कांट अलाउ यू दिस, प्लीज। सर, हम बाकी बच्चों के जैसे नहीं है क्योंकि हम खास हैं। अगर सब खास होते तो वो हमारे जैसे होते। प्लीज सर, हमें भागने दीजिए ना। ओके, ये थैंक यू सर। एकदम मन लगा के दौड़ना, ठीक है? हाँ, और अंबर, अगर धरा तुम्हारी तरह तेज नहीं दौड़ पाई ना तो कोई बात नहीं, स्लो डाउन, उसके साथ कदम मिला लेना, ठीक है? एक बात याद रखना, जीतना जरूरी नहीं है लेकिन वो जो लाइन है ना उसे पार करना जरूरी है। लाइफ में जो कुछ भी शुरू करो उसे खत्म करना जरूरी है, याद रहेगा? यस, जाओ अपनी जगह पे जाओ। On your marks. अरे वो देखो जोकर। Get set. Go. Come on. Savage. Come on!
जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो लाइन है ना, उसे पार करना जरूरी है। लाइफ में जो कुछ भी शुरू करो, कहती है कि जो भी सोचूं वो मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में बहुत अच्छा तालमेल है। तालमेल का मतलब ठीक से तो पता नहीं मुझे, पर हाँ, कभी कभी बातें अपने आप कविता बन जाती है। जो दिल में होता है वही बताती है, जैसे हर दिन वह सूरज की किरण अंबर को छू के धरा तक आती है। जुड़े हैं दो सपने, जुड़े हैं दो किस्से, हर सांस हर धड़कन के जुड़े जुड़े दो हिस्से। चलते चलते दोनों थमते भी है जरा जरा, जीते हैं For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.